अभी ये इंदौर का जो जू है, इंदौर के जू के बाजू में ही ये वाली नदी बह रही है, ये कान नदी है। यहाँ हम देख सकते हैं ये उसकी बोर्ड लगी हुई है कान नदी की। ये संग्रहालय का यहाँ पर इस तरह से उन्हीं ने मेंटेन किया है ऐसे लग रहा है, क्योंकि ये जो यहाँ पे इस तरह से शेर वगैरह बनाए हुए हैं तो इससे लगता है कि ये इसी का है। लेकिन अगर इसी तरह से संस्थाएं इनकी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और ये नदियों को साफ़ करने कर ये ले लें, बीड़ा उठाएं, तो नदी साफ़ रह सकती है। और जो यहाँ पे जो ड्रेनेज का जो सिस्टम है, इसके जो एसटीपीस वगैरह, इसकी एसटीपी कहाँ लगी होगी? अच्छा, आज़ाद नगर में है और वही एसटीपी से यहीं पे पानी, यहाँ का पूरा पानी वहाँ जा रहा है और इसी में रिलीज़ हो रहा है ना। और ये जो जू के बाजू में से ये सारा गंदा भी तो इसी में ही सब डाला जा रहा है। हाँ, सारा गंदगी यहाँ से ऐसे दिख रहा है कि यहीं पे डाला जा रहा है। बहुत गंदी हालत है ये नदी की तो। कान नदी, आगे चलते हैं। अब आए हैं 10 MLD शिखर नगर में। 10 MLD STP सरस्वती रिवर। यही क्लोरीनेशन से ही होके वो जो रिलीज हो रहा है, यहीं से वो रिलीज करते होंगे। ये रही नदी, सरस्वती नदी। चंद्रभागा जूनी दिखा रहा है, जूनी इंदौर, करेक्ट है? अब आप देखो यहाँ पे कितना गंदा है। ये उनका जो, मेरे ख्याल से ये क्लोरीनेशन के बाद में जो पानी आ रहा है ना, वो ये वाली जो फ्लो है ना, ये निकल रही है। देखो आप, ये जो है ना, हाँ, कहाँ से आ रहा है बोल रहे हो? ये देखो उनका जो क्लोरीनेशन का है ना, वो इसी में ही मिक्स हो रहा है कहीं पे। हाँ, वो आगे कैसे मिक्स हो रहा होगा। चलें। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चिड़ियाघर 35 MLD जू के लिए, इसके बाजू में। अच्छा, यहाँ तो वैष्णो देवी मंदिर है। माँ हम लोगों का ख्याल रख लेना। ये देखिए स्लज कितना जनरेट हो रहा है, देखिए ना, यहाँ पे सब स्लज निकल रहा है। ये एक बड़ी टिपिकल SBR का ये है। ये सबसे बड़ी टिपिकल इशू होती है जो SBR टेक्नोलॉजी या इस तरीके की STP में। ये ग्रिड चेंबर है और ये जो अलग हो रहा है ग्रेट सब। वेल का लेवल मतलब वहाँ पे कितना स्टोर करने सकता है उसका है, बाकी तो यहाँ पे मीटर दिखाई देगा जहाँ से इनफ्लो कितना आ रहा है वगैरह, दिखाओ जरा। तो ये क्या, कितना MLD का है ये? 35 MLD और पूरा 35 आता है डेली? कितना कितना आता है? 18, 16, 17। अच्छा, टोटल कैपेसिटी 35 का बनाया है। अच्छा, 35 MLD।
ये क्या, ये ग्रिट को ही ये कर रहे हैं या स्लज वाला है? नहीं, ये ग्रिट है। ग्रिट है। अच्छा, ये पंपिंग स्टेशन, तो ये पंपिंग स्टेशन में दिखाई देगा ना? हाँ, अच्छा अंदर दिखाएगा। जो एसटीबी प्लांट है वो डोमेस्टिक सीवर के लिए है। यदि इंडस्ट्रियल वेस्ट आएगा तो उसको हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं? तो डोमेस्टिक के लिए तो बात कर रहे हैं हम, आपको रीयूज की पूछ रहे हैं कि रीयूज जो आप बोल रहे हो, रीयूज हो रहा है तो यही पूरा फाइनल आपका प्रोडक्ट यही है? हाँ, ये। इसका इसका खराब है। अच्छा, इसका इसका आपका पास में ये है क्या, एनालिसिस रिपोर्ट है इसका फाइनल? इसका अच्छा, तो फिर अभी ट्रीट क्या हो रहा है फिर बताओ ना। जो आने वाला पानी भी तो वैसे ही गंदा, और फाइनल भी जो आप छोड़ रहे हो वो भी गंदा, तो फिर क्या फायदा हो रहा है इसका? हो रहा है कुछ? है, क्लीन है, हमारे यहाँ क्लीन वाटर भी है। मतलब ये जो दो एसबीआर हैं वो दो एसबीआर की कंडीशन थोड़ी खराब है, इस कंपैरिजन में दो एसबीआर उधर वाले जो है वो सही है। कौन सी एसबीआर का सही है? एक और दो एसबीआर सही है। एक और दो मतलब उसका कितना कैपेसिटी है? उसका कैपेसिटी तो सबका सेम ही है। 35 क्या है? 35 का कैपेसिटी कहाँ है सबका? चारों एसबीआर को मिला के 35 की कैपेसिटी, चारों को मिला के, ठीक है। पर अच्छा, क्या है, दो एसबीआर, चार एसबीआर हमारे यहाँ, तो दो एसबीआर की क्वालिटी सही है, दो एसबीआर की थोड़ी सी ऐसी पुअर है। फिर उसमें बदलाव आना चाहिए ना। फिर क्या मतलब होता है ऐसे एसबीआर का इतना खर्चा करके? इसके ऊपर चले, इसके ऊपर चले, कर रहे हैं सर, अब उसका स्लज जनरेट कर रहे हैं। ये फाइनल देख सकते हैं, ये रेड कलर क्या है उसमें? इतना जो रेड कलर दिख रहा है वो क्या आ रहा है इसमें? हाँ, होली का था वो, उसकी वजह से है। होली का, अभी मार्च का होली चला गया, आप कब होली तो कब का चला गया, तो अभी आप लोग ट्रीट कर रहे हो क्या मार्च का पानी को? तो ये चल नहीं रहा है क्या अभी? बंद रखा है? चल रहा है वो अभी, सेटलिंग प्रोसेस में। सेटलिंग प्रोसेस में, अच्छा। देख सकते हैं कि अभी हमने दिखाया आपको कि ये एसटीपी है और इंदौर में जू के पास में ही है, और इसके ये देखिए एसबीआर टेक्नोलॉजी से ये इस तरह से ट्रीटमेंट हो रहा है। मगर इसके बावजूद आपको अभी मैंने दिखाया कि जो इनका फाइनल प्रोडक्ट जो बाहर जो नदी में छोड़ा जा रहा है आफ्टर कंप्लीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, उसमें आपको दिखाया कि किस तरह से ये देखिए, ये है इनका फाइनल प्रोडक्ट जो अभी नदी में छोड़ा जा रहा है। हाँ, तो ये टेक्नोलॉजी का क्या मतलब होता है अगर वापस से फाइनल प्रोडक्ट भी उसी तरीके से गंदा ही है। फाइनल ये कहाँ है? ये तो यहाँ से होके इसमें जा रही है, बराबर ना, यहाँ पे जा रही है। तो फाइनल जो आपका ट्रीटमेंट का, नहीं चलिए आप मुझे ये बताइए आगे का जो फाइनल इसके बाद का प्रोसेस का। लेकिन ब्लोअर लगाते क्यों हो, और ब्लोअर की क्या जरूरत पड़ती है? बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की जरूरत है क्या? हाँ, हेलो, बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की जरूरत है क्या? वो क्या है ये फ्लो मीटर? मतलब जो पंपिंग, अच्छा, हम कर रहे हैं ना, पंपिंग कितना कितना आ रहा है?
तो आप मुझे बताओ, आप कह रहे हो कि बैक्टीरिया को आप ऑक्सीजन दे रहे हो ताकि वो अपना काम कर सके। आपका आपका बैकग्राउंड क्या है? मैं प्लांट इंजीनियर हूँ। हाँ, लेकिन आप इंजीनियर हो, कौन सा इंजीनियरिंग किया है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले को थोड़ा माइक्रोबायोलॉजी सीख के ले लो फिर, क्योंकि बैक्टीरिया अगर तुम बोलते हो कि ऑक्सीजन लेती है और फिर वो अपना काम करती है तो वहीं तो गड़बड़ है ना। जब आप बोलोगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एयर लेके, मतलब एयर एरोबिक होके तब वो करती है, वो तो कोई सही बात नहीं है ना। उसको ज़रूरत ही नहीं है आपके एयर ब्लोइंग का। ये किसने बताया आपको, बताओ पहले? तो वो भी आपको फिर मॉलिकुलर बेसिस में समझना चाहिए ना कि क्या सही मायने में वो ज़रूरत है क्या। हाँ, उसकी तो ज़रूरत ही नहीं है ना। ये बंद रखा है क्या? नहीं, इसका डिकेंटिंग प्रोसेस है। इसका डिकेंटिंग का चल रहा है, इसके ऊपर तो फ्लोटिंग तो कितना ज़्यादा है अभी भी, तो उसका अभी भी आपका फ्लोटिंग का भी प्रॉपर नहीं है स्क्रीनिंग। हाँ, जिस वजह से आपके टैंक में तो पूरा मिक्स है, पूरा प्लास्टिक्स भरा हुआ है, आपका स्क्रीनिंग भी बराबर नहीं हो रहा है। इस टैंक में आने से पहले तो ये सब क्लीन हो जाना चाहिए ना। फिर होना था, ये बारीक कचरा रह जाता है। नहीं, इतना नहीं रहता, ये बारीक किधर है, कितने बड़े बड़े कचड़े हैं ये तो, है ना। चलो एनीवेज, एनसीसी एयर ब्लोअर रूम, इसका ये अपना इसका पूरा चार्ज क्या आता है, मतलब जो इलेक्ट्रिकल ब्लोअर का जो अपने को बिजली का 12-15 लाख के करीब महीने का? ये एमसीसी रूम क्या है? ये यहाँ से पूरा प्लांट ऑपरेट होता है। अच्छा, और आपका स्लज किधर आ रहा है? इसमें यहाँ पे स्लज लाते हो? हाँ, उसके बाद वो स्लज कहाँ जाता है? उसके बाद में ट्रेंचिंग, वो क्या बोलते हैं, स्लज हाइजिनेशन प्लांट है। हाँ, वहाँ पर उसका स्लज हाइजिनेशन प्लांट, मतलब क्या क्या करते हो वहाँ? स्लज, जैसे ये स्लज है, हाँ, उसको खाद बनाने के लिए प्रोसेस करते हैं। उधर कैसे जाने का? यहाँ से होगा ना नीचे? चलिए फिर, कहाँ से बाहर जाना पड़ेगा एकदम? ओ, फिर यहाँ सकेंगे, यहाँ से नहीं है नीचे जाने के लिए? ओ अच्छा, तो यहाँ पे स्लज प्रोसेस हो रहा है सेंट्रीफ्यूज बिल्डिंग में, उधर भी तो बहुत ज़्यादा ही ये है।
किधर है इनलेट आउटलेट का रीडिंग? जैसे इनलेट आज का इनकम हमारा, आप एवरेज बताओ। और एवरेज अच्छा ये आज का है, एवरेज बताओ। मैं ये आज का कंटिन्यू चल इस मंथ का, इस मंथ का एवरेज बताओ। इस मंथ का एवरेज ये आया ना। हेलो, ये एक नंबर डिकेंडर को उसमें डालना, एक पे कितना है? 17.5। अरे वो ऊपर 17.5 का है। हाँ मतलब 35 का कैपेसिटी है और हम 17.24 तक आता ही है। हाँ मतलब रेगुलरली जब से इंस्टॉल किया, कमीशन किया, उतना आ रहा है। बारिश में होता है, ज़्यादा होता है तो इतना ही रहता है। तो बारिश के टाइम पे तो ये टैंक वैंक भी भर जाता होगा पूरा, तब कैसे मेंटेन करते हो? नहीं चलता ना मैम, इसका 5000 लेवल लेने का मतलब पूरा लेवल का। अरे लेकिन जब बारिश आती है वो तो टैंक वैंक भी पानी से पूरा बारिश से भर जाता है, तब क्या करते हो? आप लोग यहाँ पे कौन कौन सा रीडिंग्स एसटीपी का जो करते हो वो कौन कौन सी पैरामीटर्स का करते हो? पैरामीटर आठ होते हैं, पीएच निकालते हैं, आठ पैरामीटर होते हैं, पीएच निकालते हैं, पीओटी निकालते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, सीओडी निकालते हैं, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, टीएसएस निकालते हैं, पीके निकालते हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस निकालते हैं, अमोनिया अमोनियम नाइट्रेट निकालते हैं, और क्लोरीन की टेस्टिंग करते हैं। ऐसे टोटल आठ उसकी प्रोसेस होती है टेस्टिंग की। और उसके अलावा स्लज के बारे में जानकारी लेते हैं कि कैसा स्लज है, कितना आ रहा है पानी में, कितना बनाया जा सकता है इसके बारे में। तो स्लज का क्या है, ऑन एन एवरेज स्लज कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, मतलब डेली का स्लज कितना फॉर्मेशन हो रहा है? डेली का स्लज वो बता सकते हैं, डेली का स्लज एक ट्रॉली निकलता है, एक ट्रॉली इनलेट करके। तो ये अभी इनलेट आउटलेट का पानी है, ये इनलेट ही आउटलेट। हाँ लेकिन आउटलेट में भी तो अभी ज़्यादा तो फर्क है नहीं उसका। अभी जो रीडिंग निकला है वो बताओ ज़रा, आज का रीडिंग क्या है? अच्छा पूरा, लेकिन इसमें तो ज़्यादा फर्क दिख ही नहीं रहा है। नहीं ये थोड़ा नीचे बैठ गया है, टाइम हो गया। वो सेटलिंग का है, ठीक है, टाइम हो गया, ठीक है। अदरवाइज ऑल्सो हम लोग जब उसको इसके लिए लेते हैं पैरामीटर एनालिसिस के लिए, तभी भी हम क्या उसका वो गंदा ये नहीं लेते, सो के ऊपर का भी वो सेम ही रहने वाला है तुम्हारा, बीओडी सीओडी जो भी है। तो सस्पेंडेड सॉलिड है जो सेटल हुआ है ना, तो ओवरऑल जो इसके पैरामीटर्स रीडिंग है उसमें ज़्यादा बदलाव तो दिख नहीं रहा है। इसमें बीओडी का क्या सिचुएशन है, पीएच कितना है जो रोज आता है उसके एवरेज पे बोलो। इसका पीएच तो वही 7 से 7.5 के बीच। अभी तुम्हारे पास में वो नहीं है क्या मीटर, पीएच मीटर नहीं है वो ऐसे डाल के खराब हो गया है? क्योंकि सेंसर्स वगैरह, अभी सेंसर्स प्रो भी यूज़ करना चाहिए तुम लोग। अभी भी अगर ये केमिकल यूज़ कर रहे हो वापस, तो यही केमिकल ही तो तुम्हारे इसमें जा रहा है सिस्टम में, तो उससे अच्छा सेंसर्स प्रोब्स क्यों नहीं यूज़ करते हो भैया? सीपीसीबी के नॉर्म्स के अनुसार तो अभी आप लोग तो वही करना चाहिए, आपके सिस्टम में वो लाओ ना। आखिर यही केमिकल्स फिर आपके तो सारे इसमें जा रहा है, ड्रेन ऑफ हो रहा है, बराबर। तो उससे अच्छा सेंसर्स प्रोब से इमीडिएटली आपको रीडिंग्स मिलेंगे और इमीडिएटली आप उसका चेक कर सकते हो, उधर ही जगह पे ही कर सकते हो, अनाल के आल आने की भी जरूरत नहीं। हाँ तो इतनी बड़ी कंपनी है तो कंपनी ने तो सेंसर प्रोब सभी यूज़ करना चाहिए, अभी ये सब की क्या जरूरत है? आउटलेट दिखाओ ना पहले, ठीक है? अभी यहाँ से भी देखा आप जो नदी की हालत है और उसमें ही अगर आउटलेट है तो वो देखना ज़रूरी है किधर है। तो ये आउटलेट है अपना, वो कितना कितना एमएलडी जा रहा है देखो, सात एमएलडी कितना पानी जा रहा है बताओ। तो उसका इसका कोई ये नहीं है कि हमारे पास से कौन लेके जाएगा ये पानी, ट्रीटेड वाटर वो तो बहुत थोड़ा, बहुत थोड़ा, ये तो 7-8 MLD है, तो MLD इतना पूरा MLD का कहाँ कहाँ यूज़, और कहीं किसी से बात नहीं हुई इस वाटर यूज़ करने के लिए। हाँ
होगा ना कोई वीडियो होगा दिखाओ, ये अभी कब तक चलेगी ये? अच्छा तो एक साइकिल हो गया है आज का, चार साइकिल हो गए, तो चार साइकिल में कितना एमएलडी छोटा? हाँ अच्छा, इसमें पछलियाँ हैं बहुत, हाँ हाँ दिख नहीं रहा है तो मछलियाँ बहुत है इसमें, थ्री पॉइंट फाइव टन पर डे, पर डे हाँ कौन सा स्लज सबसे ज़्यादा, तो सबसे बुरी बात है। हाँ अरे वाह, कंपनी जो आई है ना अभी, तेरे को ना मेडल मिलेगा जब तू यही बात बताएगा ना कि सबसे ज़्यादा जनरेट करता है स्लज और इतना है। हाँ तो लेकिन वो अच्छी बात है कि बुरी बात है? अरे अच्छी बात है कि बुरी बात है? स्लज ज़्यादा प्रोड्यूस होना अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात है, होना चाहिए। और क्या करोगे फिर इसका, स्लज का क्या हो रहा है फिर? हाँ ट्रेंचिंग ग्राउंड का मतलब क्या होता है? हाँ तो किस चीज़ के लिए, किस चीज़ के लिए जा रही है? खाद बन रहा है, कहाँ कहाँ लेके जाते फिर वो खाद को मालूम नहीं है ना। हाँ दिखा तेरी स्लज, दिखा जरा तेरा स्लज जो गिर रहा है उसको पैक करके कैसे भेजते हो? कैसे ट्रांसपोर्ट करते हो? गाली आती है वो लेके जाती है, ऐसे ही गिलाई लेके जाती है, ऐसे ही इसको खींच के लेके चली जाएगी ऐसे? अच्छा तो इसका कुछ ड्राइंग प्रोसेस या डी वाटरिंग वगैरह नहीं करना? तो ठीक है, डी वाटरिंग का कोई प्रोसेस नहीं है? नहीं, तो